बच्चों, वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अलहमदुल्ला अल्लाह मैम। का। आप कैसे हैं मैम? ठीक बिल्कुल। पेपर्स की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? मैम सुस्त चल रही है। उसकी स्पीड आप लोगों ने कब ज्यादा करनी है? पेपर्स के बाद या नेक्स्ट सेमेस्टर से पक्का पढ़ेंगे? नहीं मैम, टाइम पेपर जब डे शीट आ जाएगी तब। स्टार्ट हो जाएंगे। सही। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये कहना था कि अभी तो है सिर्फ 54 लोग आए हैं, बाकियों को भी ये मैसेज जो है वो कन्वे कर देना। आप लोग लॉग बुक जो है, आप लोग जब आपका फर्स्ट एग्जाम होगा ना, फर्स्ट पेपर होगा, उसी दिन जो है वो मुझे सबमिट करवा देना आप लोग, ठीक है? मैम पहला मेट 5 जुलाई को। हाँ जी मैम, मैम इतना कम टाइम? इतनी जल्दी? टाइम थोड़ा दे दे। और यस मैम मैम, हमने प्लीज, मिड पेपर्स की के बाद तैयारी तक का टाइम करनी दे है। दे मैम, मिड के मैम बाद तक का टाइम दे यस दे। मैम, थोड़ा सा टाइम और दे दे। बेटे मिड्स के बाद ना आप लोगों की रोटेशन स्टार्ट होनी है, फिर वो ईद की छुट्टियां आ जानी है, और उसके अलावा जो है आप लोगों का मैंने अभी वाइवा भी लेना है, प्रेजेंटेशंस भी हमारी रहती हैं। कंटेंट तो वैसे हमारा, मेरा ख्याल है एक लेक्चर और लगेगा और उसके बाद हम लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना, उसमें आप लोगों ने करना क्या है? उसमें तो इतनी कोई चीज़ें भी नहीं है। मैम मैम एक्चुअली पता क्या है, हम मैम लोग इसका तो बहुत वाइवा फ्राइडे लेट में, होता है। मैम एक एक बच्चा, एक मैम बच्चा मैं है क्लास बोलूं में। मैं जी बोलूं जी 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 मैम बोले बोले। एक्चुअली ना हम लोग है हॉस्टलाइट, और अभी हम लोग लाहौर में नहीं है। हमने मिड से मैम मैक्सिमम 3-4 दिन पहले जाएंगे लाहौर में, तो मैम वो मैम थोड़ा सा मतलब मिड की तैयारी में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप प्लीज ज्यादा नहीं तो मिड्स के ही मिड तक थोड़ा सा टाइम दे दें, ताकि हम जाके मिड की प्रिपरेशन भी कर लें और ये भी साथ साथ बनवा लें। क्योंकि लॉग बुक मैम और ये जो आप पीडीएफ वगैरह में तो हम प्रिंट करवा लेते हैं, उसका मजा नहीं आता मैम। पिछली दफा भी हमने इसी तरह किया कि मैं हॉस्टल आई थी, तो मैंने स्पेशली गई हूँ और वहां से जाके खरीद दिया और बनाई और देन सबमिट करी मैम। उसका फिर अपना ही एक होता है कि एक आप ना आपको सही से प्रॉपरली मिल जाती है बनी बनाई, तो हम वहीं से लेंगे मैम जब हम जाएंगे मिड्स के लिए, तो बनाकर आपको दे देंगे। इसलिए प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दें हमें। अच्छा, मिड्स के मिड में कितने बच्चे जो हैं वो विलिंग हैं देने के लिए? क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चों का ये तो इशू होगा कि हमने मिड्स के मिड में कैसे दें, हम पेपर की तैयारी यस कर रहे हैं। तो मैम, जो फिर हमने पिछली दफा लॉग बुक सबमिट करवाई थी वो हमारे जी वाइवा से कुछ टाइम पहले ही करवाई थी, और हमें मतलब 1 माह का तो प्रॉपर टाइम मिला था, मतलब क्लासेस के यस बाद। मिस, मतलब काफी टाइम दिया था मिस ने। मैम यस मैम, मैम एक माह ऐसा से होता है भी ना, ये ज्यादा दो टाइम तीन दिन था। बाद, 2-3 दिन बाद मिट्स के आप रख लें टाइम। यस बेटे मैम, मिड्स के बाद यस जो मैम, है, ये जब तक ठीक आप, है आपका मैम, टू मिड्स प्रिपरेशन का के तो मिड मेरा में ख्याल रख है दें मैम, उसका। मिड्स के मिड में रख लें मैम, वो हमारे लिए इजी भी होगा सबमिट करवाना, और हम बना भी लेंगे इजीली। मैम, मैम जुलाई तो के मैम बाद ठीक है। अभी तो नहीं मैम बेटे, हम मिड्स मिड्स की के बाद प्रिपरेशन बहुत कर लेट रहे हो हैं हम जाएगा। मैम हम मिड के बाद रखें, मिड के बीच में तो नहीं हम रख सकेंगे, ना ही बना सकेंगे। यस यस मैम, वो मुश्किल हो जाएगा, आप मिड के बाद ले मैम, लें। हमारे सब्जेक्ट्स मैम में इस दफा मिड्स के बहुत पूरे मुश्किल दो है। दिन बाद आपको हम दे देंगे, मिड्स के पूरे 2 या 3 दिन बाद दे देंगे। मिड्स आप लोगों की जो फाइनल उसकी डेट है वो क्या है, पहले मुझे ये मैम अभी बताओ। डेट शीट ही नहीं मैम आई अभी डेट मिस, शीट नहीं आई, जैसे लेकिन उन्होंने कह दिया एक्सपेक्टेड फिफ्थ है 5th स्टार्ट से हो। होता देखो एक्सपेक्टेड डेट मेरा ख्याल है 5th जुलाई है मैम। टू यस मैम 5th जुलाई टू 16th जुलाई है। 2 वीक्स होते होते हैं ना यस मैम, 2 वीक्स का टाइम मैम, है। 20th को ईद है। हाँ, तो फिर उसके फौरन बाद तो ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, मैच खत्म होंगे, ईद मैम की छुट्टियां हमारे बाकी मैम हैं देखिए असेसमेंट्स क्लास लेती रहे मैम, आप बाकी असेसमेंट्स लेती रहे, लॉग बुक हम आपको सबमिट करवा देंगे बाद में। में। यस मैम, हमने तो अपने लास्ट लॉग बुक भी हमने फाइनल के करीब ही सबमिट करवाई थी यस वाइवा से मैम, पूछा हमने है। अपना तो फाइनल वाइवा तो हुआ था, करीब हमने से तब मैम सबमिट करवाई थी। मैम तो पूरा एस सी पी डेट थ्री शीट एस भी सी नहीं। पी फोर के बच्चे तो करवा रहे हैं सबमिट, आप लोग जो है वो इतना शोर मचा रहे हो। लॉग मैम बुक में क्योंकि करना हमारे क्या है आप लास्ट लोगों ने? थोड़ा सा तो है उसका काम। मैम, लेकिन इस दफा ना सब्जेक्ट्स मैम हमारे थोड़े हमारे से पास ऐसे है हैं,
हम सारा कुछ ही रट्टा सिस्टम है मैम, हमने उनकी भी तैयारी करनी है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप ना मिड के बाद रख लें। लेकिन yes, अच्छा फिर बाद रख लें तो लास्ट मिड में अगर दे दो तो मैम ठीक है तब दे देंगे मैम, बनानी तो तब भी है ना, मिड के दरमियान में ही बनानी है ना फिर मैम भी बनानी तो थोड़ी पड़ेगी। आप लोगों की छुट्टियाँ शुरू हो जानी है, बहुत लेट हो जाएगा, मैंने चेक भी करनी है और उसके बाद आप लोगों का वाइवा भी तो है जी मैम, आपको मिड स्टार्ट हो रहे हैं ना, आप 10th ऑफ जुलाई डेट रख लें सबमिशन की, 10th ऑफ जुलाई रख लें डेट सबमिशन की, ठीक है चलो भाई बच्चों। नो मैम मिड के दरमियान में नहीं, मैम मिड के दौरान नहीं, मैम प्लीज मिड के दरमियान में नहीं, मैम आप मिड के फौरन दो दिन बाद बेशक रख लीजिएगा मैम, फिर तो वही आ जाएगा ना, अगर मिड में है तो हम बनाएंगे पेपर जारी करेंगे, हम एक और असेसमेंट कैसे दे सकते हैं, हमारी ऑलरेडी मिड्स होंगे, एग्जाम्स हो रहे होंगे। Yes, ma'am. वो बच्चे आपने उसमें करना तो कुछ भी नहीं है ना, आपने उसको बस वो उसकी उसकी मुश्किल हो जाएगा, उसकी प्रिंटिंग करनी है और उसके बाद उसकी डेफिनेशंस वगैरह जो उसमें मेंशन है आपने वो उसमें लिखनी है, वो भी आप देख कर ही लिखोगे। मैम अभी तो हमारे क्विजेस वगैरह भी चल रहे हैं, टीचर्स क्विजेस और बाकी असाइनमेंट्स, मैम अभी तक हमारी असाइनमेंट्स चल रही हैं। यस मैम, मैम प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें हमारे साथ, मिड्स के बीच में बहुत मुश्किल होगा मैम, मिड्स के बाद परफॉर्मेंस भी फिल करके देने बेटे, कौन से परफॉर्मेंस, उसमें परफॉर्मा तो कोई भी नहीं है, आपको मैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट सिखाऊंगी और आपका अगर 17th से जो है वो हॉस्पिटल विजिट स्टार्ट होता है तो वो एक आप लोगों को जो है उसका अच्छे से क्लियर आइडिया हो जाएगा अगर सारे DNS के बच्चे हैं तो। मैम हमारी हॉस्पिटल रोटेशन पहले होगी कि 8th के बाद, अगर तो इन्होंने 17th का जो है वो मेल में मेंशन था, जुलाई 17th सैटरडे बन रहा है तो मेरा ख्याल है कि 16th जो है वो आपका वो लास्ट आई गेस मिड होगा अगर एक्सपेक्टेड डेट 5th है तो। नहीं नहीं आपकी रोटेशन मेरा ख्याल है पहले स्टार्ट हो जाएगी। मैम रोटेशन कितने डेज के लिए होंगी हमारी, ये अभी कोई आइडिया नहीं है लेकिन जो है 17th से ही स्टार्ट हो रही है अभी फिलहाल तो यही था। हाँ जी बट मैम जो लॉग बुक में हमारे पास क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स लिखने हैं जो 10 हमारे डेज हैं उनमें जो आ रहे हैं सिर्फ वही लिखेंगे हम लोग। नहीं उसमें मैंने आप लोगों को मेरा ख्याल है सेकंड लेक्चर में बताया था उसकी जो स्किन से रिलेटेड थी डेफिनेशंस जी मैम वो आप लोगों ने करनी थी, वो नहीं की आप लोगों ने। मैम हमारे क्विजेज अब आगे खत्म हुए हैं, असाइनमेंट्स अभी हमारी अभी भी एक रहती है जब हम भी हमने सबमिट करवानी है। बेटा आप ये भी तो देखो ना कि आपने उसमें कौन सा जुबानी याद करके तो फिर लिखनी है, उसमें तो आपने कहीं से भी आप उसकी डेफिनेशन देखोगे, अगर बेड साइड टेक्निक आपके पास बुक है तो वहाँ से देखोगे और आप उसको फिल कर लोगे। मैम हमें दिन लग जाते हैं लिखते हुए। यस मैम क्यों बेटे दिन क्यों लग जाते हैं, मिस आप एक दफा फिर बता दें आपने ये क्या असाइनमेंट दी थी, हम आपको सबमिट करा देंगे जल्दी। मैंने आपको असाइनमेंट नहीं दी थी, मैंने आपको कहा था कि लॉग बुक पे जो है आप वो स्किन की जो प्रॉब्लम्स थे वो आपने उसके मेंशन करे। मैम ने बस ये कहा था कि आप साथ साथ अपनी लॉग बुक ना स्टार्ट कर दें बनाना। हाँ जी ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही बोला था और आप लोग अभी कह रहे हो कि आपने स्टार्ट ही नहीं किया है। मैम प्लीज आप मिड के फौरन दो दिन बाद आप रख लीजिएगा, हम कोई शोर शराबे के बगैर आपको सबमिट करवा देंगे। मिड के दो दिन बाद भी ना बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जो आज लॉग बुक करनी होगी तो हम करवा देंगे आपको सर, परफॉर्मेंस नहीं ना जो शोर मचाएंगे उनकी आप लेंगे। ठीक है जो आप लोगों की मैं आज ही डेट फाइनल करूंगी इसी क्लास में, ठीक है तो फाइनल डेट के बाद एक हफ्ते तक जितना कोई डिले करता जाएगा ना उसका -1 होता जाएगा, 7 दिन लेट होगा तो -7, ठीक है और उसके बाद मैंने किसी की सबमिशन नहीं लेनी। ओके मैम, बस आप मिड्स के अब जैसे मैम अब मिड की जैसे ही आती है हमारी डेट शीट तो आप उसके हिसाब से हमारे साथ थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। बेशक उसके 2 दिन बाद आप ले लीजिएगा वो कोई इशू नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड डेट अभी है इसलिए कह रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ अकदस, आप 2 दिन बाद कह रही हो तो 2 दिन में आप कैसे करोगी, पहले तो मुझे ये बताओ ना।
आपको पता है ऑनलाइन का जो होता है, तो मैम हमने ना लास्ट डेज में ही बनाई थी, दो दिन में हमारी बन गई थी। एक दिन हम बैठे थे और हमने अपना डाटा कलेक्ट किया था, नेक्स्ट डे हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा। और मैंने ये भी बताना था कि प्रेजेंटेशंस आपकी तब तक हो जाएंगी, उसमें प्रेजेंटेशन में आपका कोई भी इतना कोई आपने रॉकेट साइंस नहीं एक्सप्लेन करनी, आपने जो है ना उसमें मतलब एक अगर पेशेंट है और दूसरा जो है वो उसको असेस करेगा, तो वो बस ये एक उसके मेन पॉइंट्स होंगे कि क्वेश्चनिंग जो है वो सारी सीक्वेंस में हो और सारे पॉइंट्स उसके कवर हो जाएं असेसमेंट के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मेरा ख्याल है कि आप लोगों का जो है ये सिलेबस कवर हो जाएगा, तो फिर उससे नेक्स्ट क्लास में जो है मैं प्रेजेंटेशन लेनी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है मैम, प्रेजेंटेशन ऑन कैंपस होगी कि ऑनलाइन ही होगी? ऑनलाइन ही होगी बेटा। और मैम हम उर्दू में एक मतलब के क्वेश्चनिंग करेंगे या इंग्लिश में? जैसे मर्जी, जैसे आपका दिल चाहता है वैसे कर लो। ओके मैम। और जो लेमैन के लिए लैंग्वेज यूज होती है ना, आपने वही यूज करनी है। कोई सबसे पहले ही मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में ये बोला था कि आपने जो है वो ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज करनी और इस तरह की काम जो है वो आपने नहीं करने, तो जैसी मैंने आपको गाइडलाइन दी थी ना उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। हाँ जी आदिल बेटा, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था पश्तो पंजाबी किसी को भी पूछ ले। फिर मैम आपको मार्क्स भी पश्तो और पंजाबी में दे दूंगी। ठीक है। अच्छा मैम, वो हमने रोटेशन पे जाना है तो उसके मुताबिक नहीं हम पेशेंट की हिस्ट्री लिखेंगे या खुद से अभी करें? फिर जो प्रेजेंटेशंस लूंगी ना मैं, आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी केस स्टडी जो है वो उसमें मेंशन करोगे एंड में लॉग बुक के। ठीक है, तो मैम अगर वैसे करना चाहें कोई और केस स्टडीज जैसे होती हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो वो मैं आपको केस स्टडीज दे दूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्मा फिल करना और एंड पे जो है उसकी वो ऐड कर लेना डाटा। और अगर खुद से कर लें तो? नहीं, खुद से नहीं करना। ओके ठीक है। अभी एक बात और मैं आप लोगों को बताने लगी थी। हाँ जी मैम, प्रेजेंटेशन में जब हम लोगों ने स्टार्ट करनी है कॉन्वर्सेशन, तो उसमें जिस तरह से पेशेंट को डील किया जाता है कि उसका नाम, उसका एज, ऑक्यूपेशन वगैरह, क्योंकि हम पेशेंट का फाइनेंशियल स्टेटस देख के उसको असेस करते हैं ना कि हमने किस तरह से उसको रिकमेंड करना है। बिल्कुल, वही असेसमेंट की चीजें हैं जो आपको मैंने बताई हुई है ना, ये सारी आप उसमें कवर करोगे। ओके मैम, थैंक यू। और हाँ, मैंने ये कहना था कि मुझे जो नूर ने लिस्ट भेजी थी उसमें आप लोगों ने अगर डिजीज सेम किया तो उसमें सिम्टम्स नहीं मेंशन किया। मैंने आप लोगों को कहा था कि सिम्टम्स अगर कोई डायबिटीज कर रहा है तो उसमें ये जो है आप उसके डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं वो भी साथ मेंशन करोगे, वो किसी ने भी नहीं किया है। मैम मतलब कि हमने हर एक अपना अलग अलग से बताएगा, क्योंकि दो तीन बच्चों ने डायबिटीज चूज किया है टॉपिक। हाँ ना, तो आप लोग डायबिटीज के साथ अगर सिम्टम्स मेंशन करोगे, डायबिटीज के साथ और बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके मैम, जैसे कि ओबेसिटी वगैरह ये सारी चीजें हम इसमें कर लें फिर। हाँ जी, ये सारी चीजें आप उसमें करोगे। जी बेटा। मैम हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया था स्टमक अल्सर, तो इस पे प्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो बिल्कुल। जी ठीक है मैम। मैम आपने तो कहा था कि हाँ जी मिड टर्म के बाद में प्रेजेंटेशंस लूंगी, तो अभी ही हो जाएंगी हमारी मिड में? हाँ, क्योंकि मैं आज आपका देख रही थी, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा तो ये कवर करवा दिया हुआ है। मेरा हल है एक क्लास का ही और रहता है, क्योंकि मैंने जो है वो बुक के सीक्वेंस से नहीं मैं चली, जो आपका परफॉर्मा का सीक्वेंस था ना मैंने उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया। मैम तो लिस्ट बना दीजिएगा किसकी पहले प्रेजेंटेशन, मतलब लिस्ट मेरे पास है, लिस्ट मेरे पास है, मैक्सिमम जो है वो आप लोग 10-15 मिनट्स में जो है वो उसको वाइंड अप कर लेना। और मैम एक और चीज है, डायबिटीज जो है तो उसमें फिर टाइप्स भी तो हो जाएंगी ना उसकी? हाँ टाइप्स भी हो सकती हैं, टाइप्स भी हो सकती हैं, टाइप्स भी हो सकती हैं। उसमें आप ये भी कंडीशन देख सकते हो कि हाइपोग्लाइसीमिया है या हाइपरग्लाइसीमिया है या पोलीफेजिया हो रहा है, पोलीयूरिया हो रहा है, जो भी इस तरह की चीजें हैं ना वो आप सिम्टम्स उसके साथ मेंशन कर दो। डायबिटीज के साथ अगर मतलब कोई ओबेसिटी की वजह से किसी को डायबिटीज हो गई है या उस ओबेसिटी सॉरी डायबिटीज के साथ जो है वो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं रह रहा,
तो उसकी मतलब जैसे मेडिकेशन होती है ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है, अगर वो उसको सूट नहीं कर रहा तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि वो डायबिटिक है लेकिन उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप वो भी उसमें मेंशन कर सकते हो। अच्छा मैम, मेरा टॉपिक जो है वो लैक्टोज इनटॉलरेंस है, तो वो भी हो सकता है? हाँ हो सकता है बिल्कुल, लैक्टोज इनटॉलरेंस है। तो आप ये देखो ना, इसको इस हिसाब से आप इसको कवर करोगे कि जी बेटे। मैम जिनके टॉपिक रिपीट नहीं है, फॉर एग्जांपल जिनके रेयर टॉपिक है, वो लोग भी सिम्टम्स मेंशन करेंगे? नहीं वो नहीं मेंशन करेंगे, जो रिपीट कर रहे हैं ना वो सिम्टम्स मेंशन कर दें, क्योंकि क्वेश्चनिंग जो है वो उसी के हिसाब से होगी। मैम स्लाइड बनाएंगे? नहीं स्लाइड्स नहीं बनानी, बस आप लोगों की कॉन्वर्सेशन होगी, डायलॉग होगा, और अगर मतलब बीच में किसी भी बच्चे को ये भी कह सकती हूँ कि अब जो है ना वो रोल रिवर्सल है, ठीक है? Okay. मतलब जो पेशेंट बना हुआ है वो असेसमेंट करेगा और जो असेसमेंट कर रहा था वो पेशेंट बनेगा, तो आप दोनों लोगों को दोनों चीजें पता होनी चाहिए। मैम कितने सॉरी मैम कैमरा ऑन होगा हमारा? मर्जी आप लोगों की, मैम कर लो तो ज्यादा बेहतर है। कितनी परसेंटेज? नो मैम, एक क्लास में बेटा 1 hour 15 minutes की क्लास होती है ना, तो 5 to 6 हो जाएंगी। मैम आप लिस्ट भेज दें हमें ताकि आइडिया हो जाए। ठीक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी आज लिस्ट। हेलो जी, अब हम टॉपिक की तरफ, हां जी, से स्टार्ट होती है तो ट्यूसडे को फिर हमारे फर्स्ट 6 ग्रुप्स प्रिपेयर करके आए। हां जी, अकॉर्डिंग टू लिस्ट। जी बिल्कुल, ओके मैम थैंक यू। वो जैसे लिस्ट मुझे मिली थी ना, मैं आप लोगों को वैसे ही फॉरवर्ड कर दूंगी, तो देख लेना कि फर्स्ट 6 ग्रुप्स जो हैं या एटलीस्ट 7 लोग, मतलब 7 का जो ग्रुप है वो एटलीस्ट जो है वो प्रिपेयर हो, तो उनकी बारी आ जाएगी फिर। ठीक है, मैं आप लोगों की जो असेसमेंट है मतलब उसकी मार्किंग जो है वो इस बेस पे करूंगी कि आपने जो है पॉइंट्स कौन कौन से मिस किए हैं और कौन कौन से आपने कवर किए हैं। मैम एक प्रेजेंटेशन कितने मिनट्स की होगी? 10 to 15। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें यही है कि अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन है तो आपने उसको असेस कैसे करना है। अगर वेट लॉस है तो उसमें जो आप चीज़ें कंसिडर करोगे, अगर तो लाइक जो पहला वेट उसने अगर हफ्ता महीना दो महीने पहले किया था वो अगर उसको पता है तो ठीक है, वरना फिर आप उससे ये कहोगे कि एस्टिमेटेड बता दो कि आपको क्या लगता है कि आपने कितना वेट जो है वो रिड्यूस किया है, या आप उसको अगर पता है तो आप उसका वेट मशीन पे चेक भी कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप उसकी एपिटाइट के बारे में पूछोगे, एपिटाइट के बारे में अब ऐसे पूछोगे कि मतलब दिन में वो कितनी दफ़ा खाना खाता है और उसको जो भूख उसको लग रही है वो सही से लग रही है या वो फोर्सफुली खाना खा रहा है। ठीक है, इस तरह की जो जनरल क्वेश्चनिंग है वो वेट लॉस में आप करोगे कि अगर कोई मतलब हमारे पास विजिबल रीज़न नहीं है या कोई अपेरेंट रीज़न नहीं है हमारे पास कि उसका वेट क्यों रिड्यूस हो रहा है, तो आप उससे इस वेट रिडक्शन के बारे में इस तरह के क्वेश्चंस करोगे। फिर एपेटाइट के जो है वो अंडरलाइन कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैस, इट में अकर एनीवेयर इन द बॉडी, आस्क अबाउट ड्यूरेशन, साइट, रीसेंट चेंज इन साइज, पेन, फीवर, प्रेशर सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल डिस्पिनिया और डिस्फेजिया इफ़ मैस इज इन द नेक। अब इसमें अगर कहीं पर भी कोई मैस ग्रोथ आपको फील हो रही है कि जिसको हम ले मैन की लैंग्वेज में कहते हैं कि कहीं कोई गिल्टी फील हो रही है कि कोई छोटा सा जो है वो लंप बना हुआ है, तो उसकी जो है आप लोकेशन उससे पूछोगे, ये पूछोगे कि आपको ये कब से फील होनी शुरू हुई है, उसको अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो उससे पेन फील होती है या नहीं होती, और इस तरह की जो है वो आपकी बॉडी में और कहीं पर है या नहीं, और आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि एस्टिमेटेड कब था, कि कब आपको लगता है कि ये किस टाइम पर जो है सबसे पहला मैस जो है वो अपीयर हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड बेटा वेट कीजिएगा, मैं आती हूँ अभी।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडिमा. एडिमा की उस दिन भी हमने देखा था, पिटिंग एडिमा है, जनरलाइज्ड एडिमा है. उसके बाद जो है एडिमा के साथ साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उनके बारे में हम पूछेंगे, कि जैसे ब्रेथलेसनेस के बारे में पूछा जा सकता है, या भूख का जो है वो कम हो जाना, या वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, खाना जो है वो सही तरह से डाइजेस्ट ना कर पाना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एडिमा के साथ एसोसिएटेड हैं. तो आप ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आप उनसे पूछोगे. फिर आ जाता है जी हमारे पास डिस्पिनिया. डिस्पिनिया जो है वो ब्रेथलेसनेस को कहा जाता है. अब वैसे तो ये अस्थमा का जो पेशेंट है उसमें भी ऑब्वियसली जो है वो सांस जो है वो मुश्किल से आना, या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, या ब्रेथलेसनेस जो है वो उसमें कह लो के देखी जाती है, विटनेस की जाती है. लेकिन इसके अलावा जो है एक्सर्शनल डिस्पिनिया होता है, और एक डिस्पिनिया होता है एट रेस्ट. ठीक है, अब एक्सर्शन का जो इससे रिलेटेड है वो आप ये पूछोगे कि अगर तो आप लाइक कोई स्टेयर्स चढ़ रहे हो थोड़ी बहुत, या थोड़ी सी आप ब्रिस्क वॉक करते हो तो आपको सांस चढ़ रहा होता है, या सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, या ये कि इसकी जो हिस्ट्री है आप वो पूछोगे कि सबसे पहले आपको ये राउंड अबाउट किस टाइम पे फील हुआ था कि आपको इस तरह से जो है वो सांस लेने में मुश्किल हो रही है. और उसके अलावा जो डिस्पिनिया एट रेस्ट है वो ये है कि आपको जो है एज का पूछोगे कि इसका जो है वो ऑनसेट आपको किस एज में हुआ था, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछोगे, ड्यूरेशन पूछोगे. और फिर उसके अलावा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आया, या वो किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड है वो पूछोगे. एट रेस्ट में ये चीज़ भी आ जाती है कि आप लाइक जब सो रहे होते हो तो तब भी आपकी ब्रेथलेसनेस की वजह से आँख खुल जाती है, इस तरह के जो हैं जनरल क्वेश्चन आप उससे पूछोगे. ठीक है, उसके अलावा एट रेस्ट का जो ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन है वो उन पेशेंट्स में भी हो सकती है जिनको कोई एलर्जी वगैरह होती है, जैसे पोलन एलर्जी हो गई, डस्ट एलर्जी, इस तरह की जो चीज़ें उसमें भी जो है इनको डिस्पिनिया एट रेस्ट की कंप्लेन होती है. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है पैल्पिटेशन. पैल्पिटेशन मतलब कि हार्ट बीट का जो है, अब जैसे उस दिन हम रिदम और पल्स की बात कर रहे थे तो वो चीज़ जो है वो इससे रिलेटेड है. उसके अलावा जो आप पूछोगे कि इसका जो है वो ड्यूरेशन कितना रहता है, किस किस टाइम पे आपको फील होती है, और आपको ये कोई लाइक कोई वर्कआउट कर रहे होते हो उसके बाद फील होती है, या जब आप एट रेस्ट पे होते हो तब आपको फील होती है. कभी कभी ऐसे होता है ना एकदम से, जैसे आपको मतलब आप कोई कॉन्शियसली कोई स्ट्रेस नहीं ले रहे होते, लेकिन एकदम से जो है वो आपकी हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है. ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? Yes, ma'am, दो दफा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था. हाँ, तो ये पैल्पिटेशन के अंडर आता है. तो इसकी जो है एसोसिएटेड सिम्टम्स जो है इसमें चेस्ट पेन, स्वेटिंग. अच्छा, पैल्पिटेशन जब होती है तो एकदम से जो है वो जो है स्वेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, उसके बाद पैल्पिटेशन के साथ आ जाता है ब्रेथलेसनेस और लॉस ऑफ वेट डिस्पाइट गुड एपिटाइट एंड हीट इंटॉलरेंस. ठीक है, एकदम से जो है वो टेम्परेचर आपको फील होता है कि हॉट फ्लैशेज आ रहे हैं, या जब स्वेटिंग एकदम से बहुत ज़्यादा होती है तो उसके बाद आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है. तो ये सारे पैल्पिटेशन के एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं. सॉरी, ये मेरे लिए टंग ट्विस्टर ही बन गया है. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कफ. कफ का भी जो है आप ड्यूरेशन पूछोगे, सेवेरिटी पूछोगे, उसका जो है टाइम पूछोगे कि किस टाइम पे जो है वो आपको ज़्यादा फील होता है. स्पेशली ये जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, जिस तरह से इनको जो है वो रात के टाइम में जब वो लेटते हैं फ्लैट लेटते हैं ऑन देयर बैक, तो उस टाइम जो है वो वीजिंग की साउंड या जो कफ है उस टाइम पे ज़्यादा जो है वो स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद आ जाता है इज़ इट ड्राई और प्रोडक्टिव. लाइक ड्राई कफ जो है वो उसके साथ आपको कह लो कि कोई भी स्पूटम वगैरह या इस तरह से फ्लेम जो है वो नहीं आ रहा होता, ड्राई कफ होती है. ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री आप पूछोगे कि अगर तो लाइक किसी को अगर स्पूटम आ रहा है साथ, या फ्लेम की जो है वो
प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो उसमें आप पूछोगे कि उसमें कभी ब्लड जो था कभी विजिबल था उसमें. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वॉमिटिंग. वॉमिटिंग का भी आप सेम उसी तरह से जैसे आप कफ कप है इसका ड्यूरेशन पूछोगे, फ्रीक्वेंसी पूछोगे कि मतलब कितने ड्यूरेशन में कितनी दफ़ा आपको वॉमिट हुई है. जैसे कह लो कि स्ट्रेस रिलेटेड जो है उसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड वॉमिटिंग जो होती है वो ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखी जाती है. अब इसी तरह से मेरी एक फ्रेंड भी है उसको जो है ना मतलब स्ट्रेस का इतना वो ज़्यादा इशू है कि ऑलमोस्ट एक साल से वो कुछ भी खाती है तो उसको सिर्फ स्ट्रेस की वजह से जो है वो वॉमिटिंग हो जाती है. ठीक है, तो इसमें जो है आप उसका फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन पूछोगे कि फ्रिक्वेंसी इस तरह से आ जाएगी कि आपको एक दिन में कितनी दफ़ा आ रही है या अगर ज़्यादा कोई उसकी हिस्ट्री है तो उसमें भी आप जो है वो उससे पूछोगे कि उसका ऑनसेट आप पूछोगे कि किस वजह से वॉमिटिंग हुई थी. उसको जानने के लिए जो है आप उससे जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी करोगे, फूड रिलेटेड क्वेश्चंस भी करोगे. उसके बाद आ जाता है जी अच्छा फिर इसमें जो है वॉमिटिंग से जो है वो वेट रिडक्शन भी एसोसिएटेड है. ठीक है, अगर तो वेट रिड्यूस हो रहा है तो उसमें ये देखोगे आप कि ऑब्वियसली अगर सिर्फ वॉमिटिंग जो है वो प्रेजेंट कंडीशन है तो बार बार वॉमिटिंग की वजह से जो है वो वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. उसके बाद आ जाता है ब्लड इन वॉमिटिंग. इसमें जो है इफ़ इट्स कलर इज चेंज तो उसकी भी आप फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी पूछोगे कि कब से जो है इसके अंदर जो है आप कलर चेंज या ब्लड जो है आप इसमें जो है वो देख रहे हो कि कब से इसमें आ रहा है. ठीक है, अदर सिम्टम्स जो इसके साथ हैं एसोसिएटेड वो आ जाते हैं एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिन, एनोरेक्सिया और रीनल फेलियर. इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी इसके साथ. अब ये इसमें जो है हेडेक भी आ गया है, इसमें माइग्रेन जो है अगर माइग्रेन भी अगर स्वेयर हो जाता है तो उसमें भी जो है आपको वॉमिटिंग हो सकती है. इसके अलावा जैसे अब हम पहले किडनी पेन का जो है वो देख रहे थे कि अगर किडनी पेन भी स्वेयर होती है तो उसमें भी जो है आपको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ये भी उसका एसोसिएटेड सिम्टम है. उसके बाद आ जाते हैं जी बेटे मैम इसमें अल्सर आ सकता है क्योंकि अल्सर की वजह से वॉमिट में जो है वो ब्लड आता है. हाँ इसमें वो भी आ सकता है. इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर स्टमक का कोई इशू है या स्टमक कैंसर है या जो है रीनल फेलियर है तो इसमें भी जो है वो वॉमिटिंग जो है उसका एसोसिएटेड सिम्टम होता है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास डायरिया. डायरिया में भी सेम क्वेश्चंस हैं. उसके अलावा जो है आप इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी पूछोगे कि वाटरी स्टूल्स हैं या जो है आपको लाइक एपिसोडिक है. एपिसोडिक इन द सेंस के कभी डायरिया हो जाता है कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो ये जो है इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आईबीएस का जो मेन कह लो के सिम्टम है वो यही होता है कि ऑन एंड ऑफ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रहती है पेशेंट को. ठीक है, इसमें भी फिर आप ब्लड से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग करोगे कि स्टूल के स्टूल पास करते वक्त साथ आपको जो है वो ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा. उसके बाद आ जाता है जी इफ़ डायरिया इज एक्यूट एनी रिलेशन विद फूड इनटेक एंड हिस्ट्री ऑफ डायरिया इन अदर इंडिविजुअल्स हु टुक द सेम फूड, इफ सो इंटरवल बिटवीन फूड इनटेक एंड ऑनसेट ऑफ डायरिया इज क्वेश्चन्ड. ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगर तो ये फूड इनटेक से रिलेटेड है तब अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली अगर जो किसी कह लो के किसी बंदे ने आपके साथ खाया है तो आप उससे भी जो है वो ये पूछोगे कि उसको भी सेम प्रॉब्लम हुआ था या नहीं. सपोज़ अगर जैसे फ्रेंड्स जो हैं वो अक्सर कुछ बाहर से साथ खा लेते हैं तो एक को जो है वो कह लो कि जो पापा की प्रिंसेस होती हैं उनको डायरिया हो जाता है और जो दूसरे देसी बच्चे होते हैं उनको जो है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, आप में से नहीं है कोई सॉरी अगर माइंड किया हो तो
यार सब सबका हिसाब वैसे ही है, जैसे वो कहते हैं ना, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। नो मैम, स्टमक का तो इश्यू है इसलिए हो जाता है कभी कभी। सही है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है, अच्छा डायरिया के साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो आ जाता है वेट लॉस, फीवर, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग। बच्चे आप लोग भी जो है वो लेक्चर नोट करते हो या बस सिर्फ सुनते हो? कौन से बच्चे मैम, जो सिर्फ मैम पढ़ने सुनती हूँ, मैम सिर्फ नोट सुनते कर हैं? रही हूँ। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास बेड साइड टेक्निक्स बुक है? यस मैम। सॉफ्ट में है मैम। यस मैम। ठीक है। आप लोगों का इसका जो है वो फर्स्ट चैप्टर ही है सिर्फ SCP-2 में, वाइवा की प्रिपरेशन भी आप लोगों ने जो है वो इसी से ही करनी है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में जो है आप जो है फ्रीक्वेंसी इसकी भी पूछोगे कि स्टूल्स पर वीक जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर ड्यूरेशन पूछोगे, ड्यूरेशन में जो है वो उसके साथ जो है ड्यूरेशन के साथ जो है वो आप उसके डाइटरी इंटेक के बारे में भी पूछोगे कि उसका जो है फूड इंटेक किस तरह का है। अगर फास्ट फूड ज़्यादा खाया जा रहा है या जंक फूड ज़्यादा खाया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो है वो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होगी। उसके बाद इससे एसोसिएटेड सिम्टम्स जो है वो भी यही है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ वेट। वैसे कॉन्स्टिपेशन में हमेशा वेट गेन होता है, इन्होंने पता नहीं लॉस ऑफ वेट क्यों मेंशन किया हुआ इधर। कॉन्स्टिपेशन से वेट लॉस और वेट गेन जो एसोसिएटेड है ये मैं आप लोगों को जो है ना एक दफ़ा कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे ये गलत लग रहा है। लॉस ऑफ वेट नहीं होता कभी भी कॉन्स्टिपेशन में। उसके बाद आ जाता है डिस्फेजिया। मैम डिस्फेजिया में कोई होता है ऐसी बीमारी जिससे वेट गेन होता हो बंदे का? कोई ऐसी बीमारी? यस मैम, जैसे मतलब डायरिया से वेट लॉस होता है, ऐसे मतलब कोई हाँ, हो जिससे कॉन्स्टिपेशन से होता वेट हो। गेन होता है ना, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे इन्होंने वेट लॉस का लिखा हुआ है। पता नहीं अब ये इन्होंने, या तो वेट लॉस इस सेंस में हो कि अगर किसी को IBS का इशू है तो वो ऑब्वियसली, अगर उसको ऑन एंड ऑफ कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया हो रहा है तो वो तो ऑब्वियसली उसका वेट रिड्यूस ही होगा। लेकिन ये कि अगर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो उससे वेट गेन होता है, वेट रिड्यूस नहीं होता। और एडिमा अगर किसी को होगा तो उसमें भी वेट गेन ही होगा क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रही होती है ना। मैम, डायबिटीज एंड पीसीओएस ये में भी वेट गेन होता है किस में बेटे? मैम, पीसीओएस और डायबिटीज। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, डायबिटीज में डिपेंड करता है कि वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसा रह रहा है। अगर मैम तो जो है पीसीओएस में वो, तो होता ही होता है। हाँ PCOS में तो वेट गेन होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं कि जिसमें वेट रिड्यूस भी होता है, उसके भी मतलब चांसेस हैं लेकिन कम है। और अगर किसी कोई Type 1 डायबिटिक है तो उसका भी जो है वो वेट रिड्यूस ही होगा, वेट गेन नहीं होगा उसका। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो है वो डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग है। इसमें जो है आप ये देखोगे कि किस चीज़ के लिए ज़्यादा स्वेर है, सॉलिड्स के लिए या लिक्विड्स के लिए। पेशेंट के लिए जो है वो मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग किस में है, सॉलिड्स में या लिक्विड्स में। फिर ये कि प्रोग्रेसिव है, लाइक अगर तो कह लो कि फर्स्ट टाइम पे जो है उसको, जो फर्स्ट टाइम पे जो फील हुआ है उसमें जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो ये जो है वो प्रोग्रेसिव के पॉइंट को कवर करेगा, ठीक है। फिर इज देयर अ फीलिंग ऑफ फूड स्टिकिंग समवेयर, व्हाट साइट। इसमें जो है आप ये पूछोगे कि मतलब स्वॉलो करते हुए अगर आपको ये फील होता है कि कहीं जो है आपके क्या कहना चाहिए उसको, माउथ में कहीं पे फूड स्टिकिंग हो रही है या नहीं, स्वॉलिंग इज पेनफुल और नॉट,
वेट रिडक्शन का आ जाएगा इसमें, इसमें जो है वो वॉमिटिंग आ जाएगी उसमें. अच्छा अब वॉमिटिंग में जो है आप उससे जो है वो ये पूछोगे कि डज वॉमिटस कंटेन फूड ईटन 48 to 72 hours अर्लियर. अब डिस्पेजिया में जो है अगर डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग या जो है वो पेशेंट को फील हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी डाइजेशन भी जो है वो सही तरह से नहीं हो पाई होगी. तो अगर वो वॉमिटिंग कर रहा है तो उसमें आप उससे ये पूछोगे कि लाइक ऑब्वियसली उसमें जो है वो फूड पार्टिकल्स होते हैं वॉमिटिंग में, तो आप उससे पूछोगे कि जो आपने 48 to 72 hours के ड्यूरेशन में जो खाना खाया था वो आपको लाइक उसमें उसके फूड पार्टिकल्स आपको विजिबल थे या नहीं. ठीक है उसके बाद जो है आप उससे एसिडिटी की हिस्ट्री पूछोगे. और मेरा ख्याल है आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे या पढ़ना है अभी. नो मैम. अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आप लोगों को ये इसमें जो इन्होंने नेक्स्ट आगे कंडीशंस बताई हुई है ना ये पफीनेस और प्रोप्टोसिस और जो इसमें और भी थी कलर ऑफ स्क्लेरा जॉन्डिस होता है तो उसमें क्या क्या, ये साइनोसिस एक थी उसमें टर्म यूज हुई, ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी मैं आप लोगों को जो है वो पिक्चर्स दिखाऊंगी. ठीक है नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में. ओके मैम. वाइवा में मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये अगर कोई पिक्चर है तो इसमें जो विजिबल साइन है वो किस चीज़ का है. ठीक है मैम. हाय. हाँ जी बेटे. मैम मैंने पूछा था स्लाइड्स नहीं बनानी प्रेजेंटेशन के लिए. नहीं बच्चे स्लाइड्स नहीं बनानी आपने, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आप स्लाइड्स में एक्सप्लेन बना लें तो. हाँ तो बना लो आप, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यह कि आपने एक थोड़ा सा आइडिया दे देंगे किस तरह से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है. लाइक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और इंट्रोडक्शन और उसके बाद पेशेंट अपने की पॉइंट्स सारे एक दफा बता दें और फिर फर्दर डिस्कशन. अच्छा अभी तो जो है हमने अभी तक किया है डिस्फेजिया का किया है. ठीक है मैंने वैसे आप लोगों को करवाना तो ये ख़त्म करवाना था आज जॉइंट पेन तक, क्योंकि इसमें जो है ना कोई भी इस तरह से कोई स्पेशल या अलग से कोई चीज़ नहीं है, सब में जो है आपने सेवेरिटी पूछनी है, ड्यूरेशन पूछना है और उसकी हिस्ट्री पूछनी है. ठीक है अब जैसे ये कर ही लेते हैं वैसे इसका अभी हो जाएगा, ये थोड़ा सा है जनरल सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसको जो है वो आप बाकी डिटेल थोड़ी सी देख लेना. अब जैसे मैं बता रही हूँ आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, ठीक है सबसे पहले तो आप उसका नाम पूछोगे. नाम में मैंने ये भी कहा था कि आपने उसका जो है वो सरनेम भी मेंशन करना होता है, वो है इंडोर पेशेंट्स के लिए होता है. अच्छा ये भी आप लोग अगर मेंशन कर दो कि सिर्फ मुझे बता दो कि ये इंडोर पेशेंट है या आउटडोर पेशेंट है, क्योंकि इंडोर पेशेंट जो होते हैं ना उनकी थोड़ी सी जो है वो असेसमेंट डिफरेंट होती है आउटडोर पेशेंट्स के कंपैरिजन में. तो अगर वो भी आप लोग मुझे मतलब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर दो या थोड़ा बता दो बाकी लोगों को भी, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि इंडोर पेशेंट की असेसमेंट कैसे की जाती है और आउटडोर की भी. ठीक है ये मैंने जो आपको वो बेसिक कह लो कि गाइडलाइन बताई थी बिल्कुल स्टार्ट में, तो उसमें मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया था मतलब थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ के आउटडोर और इंडोर के पेशेंट का जो है वो किस तरह से डिफरेंस आ रहा होता है. तो सबसे पहले तो आप उसका नाम पूछोगे, फिर उसके बाद जो है आप उससे उसकी एज पूछोगे, एज के बाद जो है वो उसका ऑक्यूपेशन आ जाएगा, फिर उसकी जॉब हाँ सॉरी ऑक्यूपेशन में ही वो चीज़ कवर हो जाएगी. फिर ऑक्यूपेशन से जो है अगर एग्जैक्टली वो आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अपना नहीं बताना चाह रहा तो आप उसकी जॉब से जो है वो एक आपको एस्टिमेशन मिल जाती है या एक वेग सा आइडिया मिल जाता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता होगा. फिर
फिर उसके बाद जो है अच्छा, और न्यूट्रिशनिस्ट के लिए तो ये भी होता है कि उसके लिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पूछना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो जो है हेल्दी डाइट की तरफ ही फोकस किया जाता है मोस्टली, या कह लो कि हेल्दी डाइट इन अ सेंस जो बैलेंस डाइट होती है या फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन इस तरह की चीज़ों पर। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनको ना थोड़ी वो कहते हैं कि अगर फैंसी चीज़ें नहीं मिली तो इसका मतलब है कि डाइट प्लान जो है वो ठीक नहीं था या कुछ ऐसा उनको प्रॉब्लम होता है उससे। तो खैर फिर आप उनको उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाइट रेकमेंड करते हो, लाइक फूड आइटम्स जो है वो रेकमेंड करते हो कि अगर वो पैकेज्ड फूड लेना चाह रहे हैं तो कौन से ब्रांड्स या किस तरह की चीज़ों का जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो इसमें जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो है आप उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट पूछोगे कि उसको जो है इस वक्त क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपके पास आया है। फिर उसके बाद आप एसोसिएटेड चीज़ें पूछोगे। अगर तो कोई डायबिटिक है तो 99% चांसेस हैं कि उसको जो है वो हाइपरटेंशन का भी इशू होगा, ठीक है। फिर आपने उससे जो है वो ब्लड शुगर लेवल की हिस्ट्री पूछनी है कि ज़्यादा रहता है कम रहता है, इससे एसोसिएटेड और उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। जॉइंट पेन है अगर तो उसमें आप जो है वो पूछोगे कि लाइक अगर कोई पेशेंट आया है और वो कह रहा है कि उसको जो है कह लो कि जॉइंट पेन है, ठीक है। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आईज़ के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ड्राई आईज़ और कैटरेक्ट का इशू हो सकता है। उसके अलावा जो है और कौन सी डिज़ीज़ है जिसके आप इस तरह से एसोसिएटेड सिम्टम्स का जो है वो पूछ सकते हो। एक तो डायबिटीज़ हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और मैम न्यूमोनिया के बारे में क्या लिख सकते हैं? किसके बारे में बेटे? मैम न्यूमोनिया। न्यूमोनिया उसके बारे में आप किस तरह से पूछ सकते हो। हाँ, उसके बारे में आप फीवर से रिलेटेड पूछोगे ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ऑनसेट क्या था, उसका ड्यूरेशन कितना रहा। जैसे फीवर की हमने लास्ट क्लास में डिटेल में बात की थी कि अगर तो वो 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है तो उसको कौन सी टाइप कहेंगे, इंटरमिटेंट फीवर है। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो फीवर से रिलेटेड उसमें कवर होंगी, ठीक है। मैम इसकी टाइप्स वगैरह भी इसमें एक्सप्लेन करनी है, बस इसमें यही बताना है कि फीवर ये सब ये पूछना है, इसकी हिस्ट्री सारी। देखो जब आप फीवर लाइक फीवर की जब आप हिस्ट्री ले रहे होगे ना, तो मैंने आपको जैसे ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो है आपने अपने पेशेंट से पूछना है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ठीक है, फिर उसमें मैम इसमें तो डाइट वगैरह वो भी इसमें बताएंगे और मेडिसिन जैसे? नहीं नहीं, आप लोग डाइट वगैरह नहीं बताओगे, बस ये कि आपने पेशेंट हिस्ट्री किस तरह से लेनी है ये बताना है। वो तो ऑब्वियसली अगर हमारी साथ साथ जो है वो रोटेशंस हो रही होती तो मैं आप लोगों को वहाँ पर बताती, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्लियर होना था आपको। लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों की ये प्रैक्टिस करवाना चाह रही हूँ कि जब आप डिफरेंट डिजीजेस को कवर करोगे तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पेशेंट से जो है वो रूट कॉज निकलवानी है, ठीक है। बेसिकली हिस्ट्री, हम बेसिकली हिस्ट्री लेंगे या डायग्नोसिस भी करेंगे? डायग्नोज तो उसका ऑलरेडी है ना आपके पास मैम, तो फिर जो हम लोग वो बताएगा असल में वो सिम्टम्स होंगे ना डिजीज के। हाँ बिल्कुल, आप उससे पूछोगे। देखो अगर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर कोई डायबिटिक है तो उसका एसोसिएटेड सिम्टम जो है वो ओबेसिटी होगा, उसको सीवीडी का भी कोई इशू हो सकता है, उसको किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर उसकी अनकंट्रोल्ड रह रही है, या किडनी एसिडोसिस में वो जा सकता है। जी हमारा टॉपिक एच पायलोरी है, तो उसमें पेशेंट अपना लाइक एब्डोमेन पेन या इस तरह कुछ बताता है, तो हम जो है ये उसके सिम्टम्स होंगे और हम लोग डायग्नोसिस ये करेंगे कि इसको एच पायलोरी है लाइक इसका इन्फेक्शन। हाँ मतलब डायग्नोसिस तो आपके पास ऑलरेडी है ना, आप उससे ये पूछोगे कि अगर एच पायलोरी की वजह से लाइक ये जो है वो एच पायलोरी आई गेस फूड पॉइजनिंग की वजह से वो उसमें मैम स्टमक अल्सर हो जाता है इसकी वजह से। जो फूड पॉइजनिंग की वजह से पेट बैक्टीरिया ये तो वगैरह। हाँ मेन इसका फूड पॉइजनिंग है। तो अभी जैसे हमने ये पूछा था कि
फूड के बारे में, अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है उसकी वजह से, तो आप जाहिर सी बात है उसकी फूड की भी हिस्ट्री लोगे, और अगर उसको मैम इसमें ना स्टमक में पेन भी होती है और जलन वगैरह भी होती है। नहीं मेन तो ये आपको एच पाइलोरी जो है वो उस मेन कॉज, तो मतलब उसका जो डायग्नोसिस है वो आप उसको कहोगे तो फूड पॉइजनिंग ना, कि फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग में आपको वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं, डायरिया भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है ऑब्वियसली, जब ये चीज प्रोलॉन्ग करेगी तो। इवन के जैसे टाइफाइड भी है वो फूड कंटेमिनेशन की वजह से होता है ना, तो इसमें जो है आप फीवर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे। आप ये देखना है कि आपके पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेन क्या है, ठीक है मैम। कैंसर के बारे में भी थोड़ी थोड़ा सा आइडिया दे दें कि क्या होगा मैम। ये मैम कैंसर के बारे में, कैंसर के बारे में, कैंसर के बारे में अभी जैसे आदिल बेटा आपका क्या क्वेश्चन था मैम? मैं एक तो कह रहा था कि डायग्नोसिस का जो है वो फिर हम एंड में सिर्फ ये कह देंगे कि ये आप जो है मतलब उन्हें कहेंगे कि आप ये पर्ची ले जाएं या जो भी है, तो वो तो बोलने में डिसाइड कर लूंगा। तो बस यही होगा ना, क्योंकि हमने खुद तो हमें पता होगा, बस हम ये कहेंगे कि आप सॉरी नुस्खा ले जाएंगे। और दूसरी बात जो थी वो मैंने जो है वो मुझे भूल गई, हाँ याद आ गई है, वो कॉन्स्टिपेशन का मैंने सर्च किया, वो रिड्यूस वेट इसलिए लिखा हुआ था, गेन वेट का नहीं लिखा हुआ था, कि आप कुछ जब वो मतलब फाइबर वगैरह वाली डाइट देते हैं या कुछ कॉन्स्टिपेशन सही करने के लिए, तो उससे स्टूल पास होता है जिसकी वजह से वेट लॉस होता है, वो तो खैर थोड़ा सा होता है। उसके अलावा जो हम फूड देते हैं उन्हें वो क्योंकि ऐसे होते हैं वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, तो उसकी वजह से भी वेट लॉस होता है, तो ये बात थी शायद इस वजह से लिखा हुआ। नहीं मेरा मैं जो ये पॉइंट कह रही थी कि कॉन्स्टिपेशन, अब ये तो जो आप बता रहे हो ना आदिल, ये तो वो हो गया ना कि जब आपका वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो रहा है तो उसके बाद वेट लॉस हो रहा है, ठीक है ना। मैं ये बता रही हूँ कि अगर किसी को मतलब प्रेजेंट कंप्लेन है, सपोज अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो उस टाइम पे जो है उसका वेट इंक्रीज हो रहा होगा। यस मैम ऐसे ही होता है। यस मैम आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी उसको हो रहा है, तो अभी उसके क्या स्किन कंडीशन है? जी बिल्कुल। सॉरी ईमान आप अपना क्वेश्चन रिपीट करो, मैं आपको आंसर कर रही थी वो बीच में। एक सेकंड बेटा, ईमान आपका क्या क्वेश्चन था बेटे? यस मैम, मैम मैंने आपसे कहा था कि कैंसर के बारे में भी हम थोड़ा बता देंगे, हम अपनी प्रेजेंटेशन को कितना कवर करते हैं। कैंसर, कैंसर के बारे में ये है कि आप उसको जो है ना थोड़ा सा स्पेसिफिक करो कि कैंसर होगा किस चीज का, ठीक है? ओके मैम। फिर जब आप उसको स्पेसिफिक करोगे तो ऑब्वियसली उसके साथ जो है वो सिम्टम्स आपके और भी होंगे, वेट वेट रिडक्शन जो है वो होगा, ठीक है। अब ये उस पेशेंट को लाइक कैंसर में जो है वो कभी भी वेट गेन नहीं होता, हमेशा वेट रिडक्शन ही होती है, ठीक है। तो वेट से रिलेटेड करोगे, और अगर स्टमक का कैंसर है सपोज, तो उसको जो है वो खाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उससे आपने हिस्ट्री देते हुए ये पूछना है कि आपको ये प्रॉब्लम कब से फील हो रहा है, या कह लो कि सिर्फ आपको पता है कि इसको कैंसर है, लेकिन कैंसर के पेशेंट की आपने असेसमेंट किस तरह से करनी है, आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हो। हाँ जी जाहिर बुद्धा आप जी जी मैम अस्थमा की भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बता दें कि उसे किस तरह से हमने करना डायग्नोस वगैरह। अस्थमा की मेन मैंने अभी आपको बताई है कफ, ठीक है, और कफ में जो ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिव है या ड्राई कफ है, फ्लेम प्रोडक्शन जो है वो हो रही है उसमें या नहीं, ये सारी चीज़ें आप उसमें कवर करोगे। मैंने अभी तो इसी आज के लेक्चर में तो एक्सप्लेन किया है मैम। लाइक अगर हमारी जो हॉस्पिटल की रोटेशंस होंगी जब हमारी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, सेवन के बाद होंगी, 17th से आपकी जो है वो स्टार्ट होंगी रोटेशंस। मैम हम वीक में वन डे जाएंगे, वीक में, सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही, एक ही दिन जाएंगे मैम। ये तो मुझे डिपेंड करता है कि आपका प्लान क्या बनेगा, अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। एक्सक्यूज मी मैम, मैम फिजा ने वीक के ना लाइट चली गई है, तो वो कह रही हैं कि मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा।
चलें ठीक है, आप मुझे उनका जो है वो फुल नेम ईमेल कर दें। जी जाहिद, आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? जाहिद बच्चे नाराज हो गए हो, क्या क्वेश्चन था आपका? मैम आपसे एक बात पूछ लें। जी जी पूछें। एक्सक्यूज मी मैम, किसी को फीवर है तो हम उसको इस तरह तो नहीं पूछेंगे ना कि आपको इंटरमिटेंट है फीवर या हाँ कंटिन्यूस है ऑब्वियसली हम। ये नहीं पूछोगे, मैंने यही तो कहा था कि आपने लिम एंड की लैंग्वेज यूज करनी है। ये लाइक हम उससे पूछेंगे कि आपको मुसलसल रह रहा है या थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रहा है, इस तरह हम बात हाँ, करेंगे। और ज्यादा फीवर जो है वो मतलब ज्यादा फीवर किस टाइम पे होता है, रात में होता है, दिन में होता है, कितने दिनों से हो रहा है, कितने दिनों का बीच में गैप आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, ये सारी चीजें आप जो है वो पूछो। एक्सक्यूज मी मैम, या ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे अंदर। मैम जी बेटे, मैम मैंने पूछना था जो लॉग बुक के एंड पे 10 परफॉर्मर्स है वो कैसे फिल करना है, रिपीट करना प्लीज। बेटे उसका अगर तो आपकी रोटेशंस होती हैं तो आप मतलब सपोज अगर 4 से 5 घंटे भी आप लोग हॉस्पिटल में रहते हो तो आप कह लो कि कितने लोगों की आप हिस्ट्री ले सकते हो। अभी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 5 to 10 मिनट्स भी अगर आप एक पेशेंट पे लगाते हो उसकी हिस्ट्री लेने में तो आप उस टाइम पे कंप्लीट कर लेना, या अगर तब नहीं करना तो फॉर द सेफ साइड आप अपने जो है ये जो अभी लाइक प्रेजेंटेशंस होंगी आप इसका जो है वो डाटा आप लोग नोट करते जाना, वो आप फिर उसमें केस स्टडीज में डाल देना इन पे, ठीक है? ओके मैम। जी जी मैम, हम ये रेनल किडनी फेलियर की किस तरह की टेस्टिंग बनाएंगे, लाइक उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी? किडनी फेलियर की अभी यस आज जो मैम। है किडनी, देखो बेटे मोस्टली चीजों का जो एसोसिएटेड सिम्टम है ना वो वेट लॉस आ जाएगा, वॉमिटिंग आ जाएगी, डायरिया आ जाएगा, ठीक है? ये मैं आपको एक वो जनरल आइडिया दे रही हूँ, वेट लॉस वॉमिटिंग डायरिया, आपने उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चनिंग करनी है। उनमें से कुछ चीज़ें तो हमने आज ही कवर करनी थी। अब अगर जैसे सपोज जॉन्डिस का कोई पेशेंट है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली उसकी उसकी अगर आप फिजिकली अगर आप उसकी असेसमेंट करते हो तो उसके जो वो स्क्लेरा है उसका कलर जो है वो विजिबल होगा, ठीक है? फिर उसका पेन आ जाएगा कि जॉन्डिस की जो पेन है वो टुवर्ड्स कह लो के राइट साइड की तरफ जो है वो जरा ज्यादा होती है, ठीक है? फिर इसी तरह से अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो उसकी जो है वो मैंने जैसे आपको बताया था कि सेम वो होती है कनेक्टिंग नर्व जो है वो उसकी होती है, तो आपको राइट शोल्डर में पेन फील होगी, ठीक है? इस तरह से जो है अगर जॉन्डिस आ जाता है तो उसमें लॉस ऑफ वेट आ जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ जाती है। यह वैसे इसका पता नहीं है इसके साथ क्या लिंक है, ये खैर हम कल डिटेल में देखेंगे। कांटेक्ट विद जॉन्डिस पेशेंट आ जाता है, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, ये सारी चीज़ें। फिर जॉन्डिस जो है वो इसको कह लो कि प्रोटीन इनटेक के साथ भी रिलेट किया जाता है, तो इस तरह से जो है आप उसकी रिलेटेड क्वेश्चनिंग करोगे। जी अब कौन पूछ रहा है मुझसे? मैं पूछ रहा था जी 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 मैम, आईबीडी और आईबीएस में मेजर डिफरेंसेस तो बता दें, अगर डायग्नोज करेंगे मतलब बेसिक क्या डिफरेंस होगा, क्या हमें पता चले कि आईबीडी है या आईबीएस है? आईबीडी जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो लाइक एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस है, ठीक है? आईबीएस जब किसी चीज के साथ सिंड्रोम का वर्ड आ जाता है ना तो इसके साथ डिफरेंट डिजीजेज एसोसिएट हो जाती हैं, उसके साथ ऐड हो जाती हैं, ठीक है? अब जैसे आईबीएस अगर सिम्पटम्स से है तो कैसे पता चलेगा? सिम्पटम से ये मेरा ख्याल है कि इसमें भी नहीं मेंशन, मैं आपको जो है ना नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन एक तो करूंगी इसका। इरिटेबल होता है और एक हाँ इन्फ्लेमेटरी होता है, दोनों में हाँ से। तो जो इन्फ्लेमेशन होगी तो इरिटेबल तो होगा ही ऑटोमेटिकली खुद ही। इन्फ्लेमेशन भी होगी, और जो है ना उसका कह लो कि आप अगर उसके सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आई गेस जो आईबीएस है ना उसमें आप स्टूल के साथ जो है वो ब्लड भी पास होता है। हाँ आईबीएस में जो है वो स्टूल के साथ ब्लड भी आ रहा होता है।
और आईबीडी का अगर आप देखो तो उसमें जो है वो उसकी कह लो के ऑन एंड ऑफ जो है वो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया वाली चीज आ जाती है। ओके मैम, मैम जाहिद आ गया। जाहिद, हाँ जी जाहिद मैम, मेरी टेनिस करा दीजिएगा प्लीज। जी मैम, मैं टेनिस कह रही हूँ। अल्लाह, अटेंडेंस की पड़ी हुई है आप लोगों को, पहले मसले तो सॉल्व करवा लो। जी आयशा बेटा, आप क्या कह रही थी? मैम मैंने पूछना था कि अगर एक पेशेंट मेरे पास वेट गेन की कंप्लेन लेके आया है तो उसका डायग्नोस करके मैं पीसीओएस अगर कंफर्म करती हूँ कि उसको पीसीओएस है, लेकिन उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड इज इम्पोर्टेंट, तो उसको फिर मैं बीच में अपनी तरफ से डायग्नोज कर दूंगी या फिर मैं उसको दो पार्ट्स में करूंगी कि एक पेशेंट के वो लैब रिपोर्ट से पहले और एक उसके लैब रिपोर्ट्स के बाद उसको विद डाइट असेस करना है? देखो आप उसको किस तरह से असेस करना चाह रहे हो ये आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन पीसीओएस के जो मेन सिम्टम्स होते हैं उसमें अगर तो वैसे अगर आप कह लो कि ये तो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, लेकिन अगर आप वैसे देखो तो उनको जो है अक्सर ग्लूकोफेज भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स पीसीओएस के पेशेंट को, ठीक है, उसमें जो है वो जी कि मैं एक इंटर्नशिप कर रही हूँ वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि मेडिकली पीसीओएस का ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं होता, तो ग्लूकोफेज से आपको उतना इफेक्टिव नहीं है, और ये उन्होंने काफी पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करके ग्लूकोफेज करके आए हैं, तो ग्लूकोफेज के कंपैरिजन में कुछ और चीजें हम लोगों ने सीखी हुई है, तो मैं वो पूछना चाह रही हूँ अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें के लैब टेस्ट और बाकी चीजों के साथ वो कर सकते हैं या सिंपल इसको एक प्रेजेंटेशन की तरह है, बस एक कॉन्वर्सेशन रखनी है इसको? नहीं, आप पेशेंट के साथ जो है वो कंप्लीट डिस्कशन कर सकते हो जिस तरह से आप अभी मुझसे पूछ रहे हो उसको जो है। अच्छा, अगर फिर आप इस तरह से जो है वो जनरल या कोई बेसिक ट्रीटमेंट भी अगर आप बताना चाह रहे हो तो अगर आप लोग अपनी डिजीज से रिलेटेड कर लोगे तो वो बल्कि ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे पीसीओज में जो है वो सीड साइक्लिंग का बहुत अच्छा वो उसमें रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सीड साइक्लिंग का, ठीक है, हाँ, या स्पेसिफिक डेज और स्पेसिफिक सीड नंबर, जी बिल्कुल, तो उसमें जो है आप उसके ऑप्शंस उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, सीड साइक्लिंग में भी ऑप्शंस होते हैं ना। उसके अलावा जो है आप फेशियल हेयर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इस तरह के जो है आप क्वेश्चनिंग पेशेंट से करोगे के पीसीओएस के डायग्नोसिस के लिए। ऑब्वियसली अगर सबसे पहले तो उसकी जो मेन तीन चीज़ें जो पीसीओएस के लिए होती हैं, एक तो आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, दूसरा आपका वेट गेन होता है, और तीसरा जो है वो इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है मैम, स्किप भी होते हैं? जी जी वही, उसको इररेगुलर में आप उसको सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, कि इररेगुलर कभी होते हैं कभी नहीं होते, कभी ड्यूरेशन उसका वेरी कर रहा होता है, कभी स्टार्टिंग डेट वेरी कर रही होती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। ओके मैम। जी आदिल मैम, जैसे हम प्रेजेंटेशन देंगे तो उससे पहले एक इंट्रो टाइप देंगे कि मतलब हम लोग ये अब करने लगे हैं या इस तरह से? देखो अगर तो आपकी कोई उसमें कोई ऐसी चीज है जो आप पेशेंट से नहीं कह लो के उस तरह से पूछ सकते तो आप जो है वो मुझे उसका पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दो कि इस पेशेंट को जो है वो ये प्रॉब्लम है, या जैसे मैंने आपको इंडोर और आउटडोर का भी बताया था, प्रेजेंट कंप्लेन तो मेरे पास आ गई ना जो आपने वो लिस्ट भेजी थी मुझे आप लोगों ने, तो उसमें जो है अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो क्वेश्चनिंग में कवर नहीं होगी लेकिन वो कन्वे होनी चाहिए कि वो मार्क्स पे उसका जो है वो इम्पैक्ट होगा, तो वो आप मुझे पहले बता सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मैम जैसे सिम्टम्स तो हम पेशेंट से पूछेंगे लेकिन साइंस जैसे हमें नजर आ रहे हैं उसे देख के तो वो हम मेंशन कर देंगे ना कि साइंस ये आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। जी साइफा। यस मैम, मैंने पूछना था जैसे अगर मैं कार्डियल इंफेक्शन का पेशेंट है मैम, उसको उसके हवाले से हम कैसे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैम इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो हम उससे फर्स्टली हिस्ट्री तो नहीं लेते ना, हम उसे सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं, तो प्रेजेंटेशन को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे? देखो जो अगर तो कोई इस तरह का सीवियर इशू है तो ऑब्वियसली आप जो है वो उसको कह लो कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट वाला प्रोटोकॉल तो नहीं दे सकते, लेकिन
हॉस्पिटलाइज तो होगा ना वो पेशेंट, यस मैम, है ना? तो फिर उससे जो है आप इस सिम्टम्स के बारे में पूछोगे कि आपको पेन जो है वो चेस्ट में, आपको पेन जो है वो चेस्ट में फील हुई थी, फिर उसके बाद पेन रेडिएटेड टुवर्ड्स योर लेफ्ट आर्म और राइट आर्म, इस तरह से जो आर्म से एसोसिएटेड पेन है वो आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है? ये वाली चीज़ें, फिर ये पूछोगे कि अगर आपको पेन फील हुई थी तो उसका ड्यूरेशन क्या था। ओके मैम जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम जी। जाहिद मैम, मेरा टॉपिक है डायबिटिक वाला ना, तो मैं क्वेश्चनिंग किस तरह करूंगा, मतलब मेरे साथ मेरे सेपरेट ही है, तो आप मुझे बता दें इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज। डायबिटीज का अभी तो हमने सबसे पहले डायबिटीज के ही तो हम शोर मचाई जा रहे थे, आप तो कहां पर थे? अटेंडेंस नहीं मैम, मैं काम गया हुआ। कोई क्लास कैजुअल कर लें ताकि क्वेश्चन का। ज़ैना क्या कह रहे हो, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। मैं कह रहा हूं कि क्लास एक अलग स्केड्यूल कर लें ताकि इनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए प्रेजेंटेशन के रिलेटेड। अभी वैसे मोस्टली बच्चों के तो मैंने आंसर कर दिया है, लेकिन अगर किसी को अभी भी कोई इशू है तो पूछ ले। अच्छा जाहिद, आपको जो है मैंने डायबिटीज का जो है उससे आपने सबसे पहले तो चलो जी इंटरनेट एक्सप्लोरर का बिचारेगा, ठीक है। अच्छा बस आज के लिए इतना बहुत है मैम, आप बता दें वो रिकॉर्डिंग खोलें, ठीक है? नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में तो फिर मैंने पहले भी वो एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर कोई डायबिटिक है तो आपने उससे सिम्टम्स किस तरह से उसके मेंशन करने और क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, ठीक है? अच्छा जी चलें, ठीक है फिर बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और मैं आप लोगों को जो है इसमें वैसे हेडेक और वीकनेस और फिट्स वाला पार्ट ही रह गया और जॉइंट पेन ये करके, तो फिर मैं आप लोगों को जो है वो पिक्चर्स दिखा दूंगी जो आप फिजिकली आप पेशेंट को असेस करोगे उसमें आ जाएगी, ठीक है? मैम रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा लास्ट लेक्चर की भी और इसकी भी। लास्ट लेक्चर की बेटे मैंने कर दी थी, सबको शेयर की थी मैंने, मुझे नहीं मिली। चलें ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। जी बेटे मैम, जाहिद की अटेंडेंस में बोल, किसकी? जाहिद कह रहे अटेंडेंस में। अच्छा जी ठीक है, ओके बच्चों अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज मैम।